नमस्कार, मैं प्रिया। आज 29 अक्टूबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। सीडीआईटी ने टेक्निकल राइटर JAVA डेवलपर समेत अन्य पदों पर निकाले रिक्तियां। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इमेजिंग टेक्नोलॉजी ने टेक्निकल राइटर, जावा डेवलपर और अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो PHP डेवलपर के लिए CSE, IT, ECE में BTEC या BE या समकक्ष या MCA, जावा डेवलपर के लिए CSE, IT, ECE में BTEC या BE या समकक्ष या MCA, एंड्रॉइड प्रोग्रामर के लिए CSE, IT, ECE में BTEC या BE या समकक्ष या MCA, UI, UX डेवलपर के लिए कोई भी डिग्री होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और पात्र आवेदक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इमेजिंग टेक्नोलॉजी भर्ती 2020 के लिए निर्धारित आवेदन प्रारूप के माध्यम से 7 नवंबर से पहले www.careers.cdit.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। गया के पर्यटन स्थल में बोधि वृक्ष का है खास महत्व। बोधि वृक्ष एक प्राचीन पवित्र पेड़ है जो बोधगया में स्थित है, जिसके तहत बुद्ध के नाम से इसे जाने वाले आध्यात्मिक गुरु सिद्धार्थ गौतम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आत्मज्ञान या बोधि लगभग 500 ईसा पूर्व प्राप्त किया था। धार्मिक प्रतीक चिन्ह में बोधि वृक्ष अपने दिल के आकार के पत्तों द्वारा पहचाने जाने योग्य है, जिन्हें आमतौर पर प्रमुखता से पारदर्शित किया जाता है। 250 ईसा पूर्व के आसपास लगाया गया यह पेड़ तीर्थयात्रियों के लिए एक लगातार गंतव्य है, जो 4 मुख्य बौद्ध तीर्थ स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण है। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 2,14,000 के पार। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 780 नए मामलों की पुष्टि की गई थी, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,14,163 पर पहुंच गई है। जिसके बाद अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 24, अरवल में 7, औरंगाबाद में 14, बांका में 7, बेगूसराय में 17, भागलपुर में 7, भोजपुर में 6, बक्सर में 4, दरभंगा में 5, पूर्वी चंपारण में 16, गया में 18, गोपालगंज में 18, जमुई में 9, जहानाबाद में 23, कटिहार में 11, खगड़िया में 2, किशनगंज में 31, लखीसराय में 4, मधेपुरा में 21, मधुबनी में 13, मुंगेर में 14, मुजफ्फरपुर में 40, नालंदा में 40, नवादा में 4, पटना में 178, पूर्णिया में 58, रोहतास में 5, सहरसा में 50, समस्तीपुर में 12, सारण में 15, शेखपुरा में 13, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 21, सिवान में 14, सुपौल में 23, वैशाली में 13, पश्चिम चंपारण में 19 मामले सामने आए हैं। गोपालगंज में वाहन जांच के दौरान मिले 5 लाख रुपए। बिहार में जहां एक तरफ बीते दिन पहले चरण के चुनाव का आयोजन करवाया गया, वहीं दूसरी तरफ धनबल के इस्तेमाल के मामले भी खूब देखने को मिले। इसी क्रम में बीते दिन गोपालगंज में एक वाहन जांच के दौरान 5 लाख रुपए बरामद किए गए। मिली जानकारी के अनुसार FST की टीम ने बरौली के नेशनल कॉलेज के पास किए गए जांच के दौरान ये रुपए बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति से इन पैसों की बरामदगी की गई है वो उत्कर्ष बैंक का कर्मी है, जिससे फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है। मतदान के दौरान उम्र नहीं बनी बाधा। कोरोना के माहौल में आयोजित करवाए गए चुनाव में जहां यह उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद मतदाताओं में उत्साह देखने को नहीं मिलेगा, मगर मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व के दौरान खूब उत्साह देखने को मिला। बीते दिन करवाए गए मतदान में 16 जिले के 71 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो गया है। वहीं इन प्रत्याशियों का किस्मत का फैसला करने वाले मतदान कर्मी भी मतदान बूथों पर आते जाते देखे गए। ज्ञात हो मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू करवा दी गई थी। हालांकि कई जगहों पर ईवीएम के खराब होने की शिकायत भी सुनने में आई थी, मगर कुछ ही समय के बाद ईवीएम को ठीक करवा दिया गया था, जहां 80 साल तक के बुजुर्ग में भारी उत्साह भी देखने को मिला। शरद पूर्णिमा का अपना ही है एक खास महत्व। हिंदू धर्म में सूरज और चांद दोनों की ही पूजा की जाती है। हिंदी पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा हर साल अश्विन मास में मनाई जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या अश्विन पूर्णिमा कहते हैं। इस साल यह पूर्णिमा 30 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जो 31 अक्टूबर की रात तक जारी रहेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, शरद पूर्णिमा का एक विशेष धार्मिक महत्व होता है। इस दिन धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या कोजागरी लक्ष्मी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। बिहार के 3 विधानसभा क्षेत्रों में गरजे प्रधानमंत्री मोदी। आगामी विधानसभा चुनाव की शुरुआत बीते दिन से हो चुकी है। वहीं चुनावी तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से बीते दिन 3 रैलियों का आयोजन करवाया गया था, जिसकी शुरुआत उन्होंने दरभंगा जिले से की थी, जहां उन्होंने जनसभा का संबोधन मैथिली में किया था। साथ ही एनडीए को वोट करने की अपील की। वहीं इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी खूब तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने राजधानी पटना में जनसभा का संबोधन करते हुए कहा कि अब लालटेन का अंधेरा छूट चुका है और LED बल्ब का दौर है। बिहार की आकांक्षा ही अब LED बल्ब की है।
राहुल गांधी ने अपनी जनसभा में राज्य और केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथ। जहां एक तरफ कल से विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ बीते दिन बिहार में दो वरिष्ठ नेताओं की रैलियों का भी आयोजन करवाया गया। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भी जनसभा का आयोजन करवाया गया था, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर बयानबाजी की। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में मोदी की 6 वर्षों की सरकार और बिहार नीतीश कुमार की 15 सालों की सरकार ने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया है। इनके कार्यकाल के दौरान बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई चरम पर है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए महागठबंधन की सरकार को चुने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर गांव में सोलर लाइट लगाने का किया वादा। चुनावी जनसभा का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन फुलवारी शरीफ में जनसभा का संबोधन किया था, जहां उन्होंने चुनाव जीतने के बाद सरकार में आते ही बाकी बचे कामों को पूरा करने का दावा किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हम लोगों ने हर घर नल का जल पहुंचा दिया है, बाकी जगहों पर काम जारी है। मौका आप लोग देंगे तो बाकी काम भी पूरा किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगली बार मौका देंगे तो बिहार के गांव में सोलर लाइट लगाएंगे, हर घर खेत तक पानी पहुंचाएंगे, गांव या शहर हर जगह पर सफाई होगी, विशेष ध्यान दिया जाएगा, सड़कों का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। इसके साथ ही बड़े बाजारों के बाहर से बाईपास बनाया जाएगा, अगर जगह नहीं मिलेगा तो फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा। स्मृति ईरानी, मुकेश सहनी और अरुण कुमार सिन्हा आए कोरोना की चपेट में। जहां एक तरफ चुनाव इस बार जनता के लिए बेहद ही हानिकारक साबित हो रहा है, वहीं यह चुनाव नेताओं और स्टार प्रचारकों के लिए भी भारी पड़ रहा है। बिहार की धरती पर एनडीए के पक्ष में वोट की मांग करने बिहार आई स्मृति ईरानी कोरोना की चपेट में आ गई है। वो बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पहुंची थी, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। उनके साथ ही वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके तहत उन्होंने भी अपने संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने की मांग की थी। इसके साथ ही भाजपा विधायक अरुण सिन्हा की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मिली जानकारी के अनुसार अरुण सिन्हा ने मोदी के कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए अपनी जांच करवाई थी, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नवादा में भाजपा के पोलिंग एजेंट की गई जान। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया बीते दिन समाप्त हो गई है। इसी दौरान नवादा जिले में भाजपा के एक पोलिंग एजेंट की जान चली गई। हिसुआ विधानसभा के फुलमा गांव में बूथ संख्या 236 पर भाजपा के पोलिंग एजेंट कृष्णा सिंह पार्टी के लिए काम कर रहे थे। इसी बीच उनको दिल का दौरा पड़ा। कृष्णा सिंह को हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। इस दौरान चेक किया गया तो उनका पल्स कम हो गया, जिसके बाद कुछ देर के अंदर ही उनकी जान चली गई। कमल का मास्क पहनना कृषि मंत्री प्रेम कुमार को पड़ सकता है महंगा। बीते दिन से चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, वहीं पहले चरण में जिन 8 मंत्रियों के भाग्य का फैसला होना है, इनमें कृषि मंत्री प्रेम कुमार, शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा समेत कई नेताओं के नाम शामिल है। वहीं इसी बीच मंत्री प्रेम कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार मतदान करने भाजपा चिन्ह का मास्क पहनने पर जिला निर्वाचन आयोग ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया था, जिसके बाद प्रेम कुमार ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि उनसे भूल हो गई है, कमल के निशान वाले मास्क पहन कर केंद्र पर प्रचार करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। तरफा में दर्ज हो गया है। हाँ, मामला दर्ज हो गया। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ हाथ मिलाने की कही बात। चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते देखे गए हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है और कहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार की दल बदल की राजनीति एक बार फिर से दिखने वाली है। चुनाव परिणाम आते ही नीतीश कुमार पलटी मारकर महागठबंधन का दामन थाम लेंगे। चिराग ने दावा किया है कि नीतीश कुमार अभी से ही कांग्रेस और राजद के लोगों से संपर्क में है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को पता है कि अब उन्हें एनडीए में भाजपा पूछ नहीं रही है और राज्य की जनता में उनके खिलाफ आक्रोश है। बिहार में योगी आदित्यनाथ ने भी भरा चुनावी हुंकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बिहार विधानसभा चुनाव में कूद चुके हैं, जिसके तहत बीते दिन योगी आदित्यनाथ ने सोमेश्वर उच्च विद्यालय में गोविंदगंज विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुनील मणि तिवारी के पक्ष में सभा का संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने जनता से एक बार फिर से एनडीए सरकार का समर्थन करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में जंगल राज के लिए कोई जगह नहीं है। 15 साल तक नौजवानों के प्रतिभा को रौंदने राजद अब रोजगार का नया बहाना लेकर आई है। राजद नेताओं ने तो जानवरों का चारा तक हजम कर लिया है। उनके राज में सिर्फ माफियाओं का बोलबाला रहा था। हम और आप फिर से उस माहौल को पनपने नहीं देंगे। जिस तरह से यूपी में ऐसे लोगों का सफाया किया गया है, बिहार में भी वही होने वाला है।
मुंगेर मामले में तेजस्वी ने आरसीपी सिंह पर बातों ही बातों में साधा निशाना। मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस और विसर्जन करने जा रहे लोगों के बीच हुए झड़प से राजनीति गर्मा गई है। लगातार विपक्षी दल मुंगेर में हुए वाक्य की न्यायिक हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं, जिसके तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने एसपी और डीएसपी को निकालने की मांग की है। साथ ही उन्होंने बातों ही बातों में जदयू नेता आरसीपी सिंह और उनकी बेटी और साथ ही मुंगेर की एसपी लिपि सिंह पर निशाना साधते हुए कहा है कि वहां की जो एसपी है वो जदयू के एक बड़े नेता की बेटी है, ऐसे में तत्काल उन्हें वहां से हटाया जाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की चुप्पी रास नहीं आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी आए या राहुल, बिहार की जनता पर नहीं पड़ेगा कोई असर। बिहार में बीते दिन विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों की बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि भाजपा नीतीश कुमार के साथ लेकर बिहार में बैकवर्ड वोट को हथियाना चाहती है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने साजिश को अच्छे तरीके से समझ लिया है और अब एनडीए को वोट नहीं देने वाली है। प्रधानमंत्री आ जाए या कोई भी आ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी तंज कसा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि एनडीए और महागठबंधन दोनों दल ने मिलकर बिहार को लगातार ठगा है। पप्पू यादव ने पीडीए के पक्ष में वोट करने की कही बात। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान करवाया गया। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने दावा किया कि राज्य में लोग प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। उन्होंने इसके तहत कहा कि लोग हमारे गठबंधन को भारी मतों से जीत दिलाने की बात कही है। वहीं इस दौरान पप्पू यादव ने एनडीए और महागठबंधन के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण काल में दोनों दल के नेता गायब रहे, बिहार की जनता उन्हें बखूबी जान गई है। उन्होंने कहा कि जनता ने देखा है कि कैसे 15 साल गठबंधन और 15 साल एनडीए के लोगों ने बिहार को लूटा है। यहां की जनता इन दोनों गठबंधन से मुक्त होना चाहती है। ट्रेन के कंफर्म टिकट पर बदल सकते हैं पैसेंजर का नाम। भारतीय रेलवे आए दिन अपने सभी यात्रियों को खूब सारी सुविधाएं देती आई है। रेलवे के नियमों के मुताबिक यात्री टिकट बुक करने के बाद भी यात्री का नाम बदल देते हैं। ये सुविधा सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वाले यात्रियों को ही मिलती है। रेलवे के अनुसार अक्सर देखने को मिलता है कि यात्रियों के प्लान में बदलाव हो जाता है और वो यात्रा नहीं करना चाहते, ऐसे में वो टिकट को कैंसिल करवा लेते हैं या फिर ना तो टिकट कैंसिल करवाते हैं और ना ही यात्रा करते हैं। अगर आप यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम दर्ज करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन टिकट बुक किए गए टिकट का प्रिंट निकलवाना होगा। अपने इलाके के रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में जाएं। आप अपने साथ उस यात्री के ओरिजिनल आईडी प्रूफ और फोटोकॉपी साथ लेकर जाएं जिसका नाम पर आपको टिकट ट्रांसफर करवाना है, जहां से आप काउंटर पर नाम चेंज करवाने की जानकारी दे। इसके बाद रिजर्वेशन काउंटर पर ही इसे दे। अपने टिकट पर दूसरे यात्री का नाम यहां से दर्ज करवा जा सकता है। एलपीजी सिलेंडर के नए नियम जल्द होंगे लागू। प्रदेशवासी कृपया ध्यान दें, 1 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर लेने के नियम में बदलाव होने जा रहा है। एलपीजी गैस सिलेंडर के नियमों में कुछ बदलाव किया जा रहा है, जिसके तहत एलपीजी सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाने के लिए सरकार नया नियम लागू करने की तैयारी में। इस नियम के तहत डिलीवरी बॉय अब सिलेंडर लेकर घर पहुंचाने जाएगा, तब ग्राहकों को एक ओटीपी बताना होगा। इस नए नियम को डीएसी का नाम दिया गया है, यानी कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। आपको बता दें कि अब सिर्फ बुकिंग करा लेने से सिलेंडर ग्राहकों को नहीं मिलेगा, इसके लिए कोड बेहद जरूरी होगा। अगर किसी ग्राहक का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो रियल टाइम में ही डिलीवरी बॉय एक ऐप के माध्यम से नंबर अपडेट कर देगा। कोड देने के बाद ही सिलेंडर की डिलीवरी पूरी होगी, जिसकी जानकारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुख्य प्रबंधक बिहार झारखंड की बीना कुमारी ने दी है। सूर्य कुमार यादव को टीम में जगह नहीं मिलने पर भड़के हरभजन सिंह। बीसीसीआई ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया की घोषणा की थी। हालांकि कोरोना के माहौल में टीम इंडिया का यह पहला इंटरनेशनल दौरा होने वाला है। टीम के खिलाड़ी फिलहाल आईपीएल मैच में व्यस्त है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के दौरे में टीम चयन से पहले हर कोई बस यही उम्मीद कर रहा था कि इस बार दौरे के लिए आईपीएल में मुंबई इंडियन के लिए शानदार खेल दिखाने वाले सूर्य कुमार यादव को जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस पर हरभजन सिंह ने नाराजगी जताई है। उन्होंने लिखा कि सूर्य कुमार यादव ऐसा क्या करे, उन्हें टीम में चुन लिया जाए। वो आईपीएल के सीजन में और रणजी सीजन में अच्छा खेल रहे हैं। टीम के चयन के लिए अलग नियम बनाए गए हैं, वहीं लोगों के लिए अलग नियम बनाए गए हैं। दिवाली से पहले इंस्टाग्राम ने अपने यूजर को दिया बड़ा तोहफा। फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम ने अपने लाइव वीडियो फीचर में बदलाव करने का ऐलान किया है। दिवाली से पहले किए गए इन ऐलानों को यूजर के लिए एक तरह का तोहफा माना जा रहा है। दरअसल इंस्टाग्राम करोड़ों यूजर के लिए लाइव वीडियोज के टाइम लिमिट को बढ़ा रहा है। इसके साथ ही यूजर अब 30 दिन तक के लिए लाइव वीडियोज को भी सेव कर सकेंगे। वहीं इंस्टाग्राम लाइव वीडियोज की ऐप पर उपस्थिति ज्यादा होगी। इंस्टाग्राम पर सभी यूजर 60 मिनट के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। इसकी समय सीमा को कंपनी ने बढ़ा दिया है।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 28 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,850 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,850 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,400 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.82 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 76.10 रुपए प्रति लीटर था। अंकिता लोखंडे ने तस्वीर के जरिए फैंस को दिया एक स्पेशल मैसेज। बॉलीवुड एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आती हैं। वो अक्सर अपने फोटोज और वीडियोस के माध्यम से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से अपनी एक तस्वीर को शेयर किया, जिसको शेयर करते हुए उन्होंने अपनी लेटेस्ट ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि अगर सब कुछ परफेक्ट होता तो आप कभी नहीं सीख पाते, ना कभी आगे बढ़ पाते। अंकिता के इस पोस्ट को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं। यूजर ने लिखा है, कैप्शन के लिए धन्यवाद, इसने मुझे मोटिवेट किया है। इसके अलावा फैंस कमेंट्स कर अंकिता की खूबसूरती की भी तारीफ कर रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है विकास यादव, विजय कुमार, कुंदन कुमार, ब्रजेश तिवारी, प्रमोद यादव, बबलू यादव, नागेंद्र कुमार, बबलू कुमार, काजल ठाकुर, नागेंद्र कुमार, उपेंद्र कुमार, मोहम्मद अल्ताफ, हेमंत सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके बूथ पर कोरोना के माहौल में आयोजित मतदान में कोरोना से बचाव के लिए जारी किए गए प्रोटोकॉल का पालन किया गया था या नहीं। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।